नमस्कार, मैं हूँ रश्मि। रश्मि किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल माट की सब्जी, इसको लाल सब्जी भी बोलते हैं। मैंने लाल सब्जी को काट कर धोकर ले लिया है। ये देखिए, ये इस तरह की होती है। लाल सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, नमक, जीरा, पिसा हुआ धनिया, हल्दी। यहाँ पर मैंने लहसुन को कूट कर लिया है, आप चाहे तो काट कर भी ले सकते हैं। चलिए, अब हम कढ़ाई में डालेंगे जीरा। लहसुन ये देखिए, लहसुन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, थोड़ा सा नमक, जिससे हमारे प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए। लाल सब्जी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। जिन लोगों में ब्लड की कमी होती है, वो इस सब्जी को जरूर खाएं। ये ब्लड संचार बहुत अच्छे से करती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। महाराष्ट्र में इसको लाल माट बोला जाता है, कहीं कहीं इसको लाल चौलाई भी बोलते हैं। प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और अब डालेंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर को अच्छे से भूनने देंगे। ये देखिए, टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें लाल भाजी को डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। लाल भाजी को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। आप इस सब्जी को जरूर ट्राई करें।
घर में सभी लोग इस सब्जी को खाएं। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।